चुंबक की तरह खींचा चला आएगा पैसा, बस करना होगा आपको ये काम। दोस्तों, अगर आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं या फिर आपकी नौकरी में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास धन की कमी है, तो आप उनसे छुटकारा पाने के लिए और तरक्की पाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी और साथ ही सफलता आपके कदम छूने लगेगी। आज आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर सदा बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नंबर एक, आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। जय माता दी। नंबर एक, दोस्तों, सुबह 4 से 6 बजे तक का समय लक्ष्मी नारायण का होता है। इस समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सभी ये परेशानियाँ शीघ्र समाप्त होती हैं। नंबर दो, जब भी किसी को कुछ दान करें तो घर के मेन गेट के अंदर खड़े होकर करें, इससे दान का पूर्ण लाभ मिलता है। नंबर तीन, अगर आप घर में ज्योत जलाते हैं तो वो ज्योत में रुई की जगह मोली का इस्तेमाल करें, इससे आपकी पूजा का तुरंत लाभ फल मिलेगा। नंबर चार, अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बड़ी लड़ाई में बदल जाते हैं, तो घर पर सफाई के समय सेंधा नमक का पोछा लगाना शुरू कर दें। नंबर पाँच, अगर कहीं पैसे फंस गए हैं और उसे निकलवाना चाहते हैं तो नारियल में शक्कर भर कर पीपल के नीचे दबाएं। नंबर छः, पहले दांत को टूटने पर कहीं भी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, इसको चांदी की डिबिया में संभाल कर रखें। ऐसा करने से घर पर धन की समस्या नहीं आएगी। नंबर सात, पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले माँ लक्ष्मी का वास पीपल पर होता है, इस समय पीपल की पूजा करने से अचानक धन की प्राप्ति होती है। नंबर आठ, विवाह में विलम्ब हो रहा है या फिर परेशानियाँ आ रही हैं तो केसर को पानी में मिलाकर नहाने से विवाह जल्दी हो जाता है। नंबर नौ, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कभी कोई बीमारी ना आए, नज़र ना लगे और आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तो प्रतिदिन आप अपने मेन गेट के सामने की जगह को साफ पानी से ही धोना चाहिए। नंबर दस, गुरुवार के दिन आटे के 2 पेड़े लें और एक में हल्दी डालें और एक में चने की दाल, और ऐसा दोनों पेड़े गाय को खिला दें, इससे जल्दी ही शादी हो जाती है। नंबर 11, केसर की 2 पत्तियां लें, दोनों को एक एक करके दोनों हाथों की हथेली पर मसल कर लगाएं और फिर काम पर जाएं, ऐसा करने से धन बराबर आता रहता है। नंबर 12, लाल धागे में अंगूठे को बांधकर सूर्य उदय होने से पहले गायत्री मंत्र पढ़ने से कभी गर्भपात नहीं होता है। 13, बेडरूम में कपूर की टिकिया जलाने से पति पत्नी एक दूसरे पर शक दूर होता है। 14, अगर मरीज ठीक नहीं हो रहा है तो उसके सिरहाने कुछ सिक्के रख देने चाहिए और जमादार को देते रहना चाहिए, इससे मरीज ठीक होना शुरू हो जाता है। 15, अगर छोटे बच्चे दूध नहीं पचता तो शनिवार के दिन जो उसका जूठा दूध बचता है उसे छोड़ दें और उसको कुत्ते को पिला दें, ऐसा करने से बच्चे को दूध पचना शुरू हो जाएगा। नंबर 16, प्रतिदिन शाम के समय पीपल के पेड़ को थोड़ा सा दूध पानी मिलाकर चढ़ाएं, दीपक जलाएं तथा मनोकामना के साथ पेड़ की परिक्रमा करें, शीघ्र ही मनोकामना पूरी होगी। 17, मोर पंख घर में रखने से सुख और सम्मान की प्राप्ति होती है। 18, घोड़े के पैर की कील का छल्ला बनाकर पहनने से प्रेत बाधा समाप्त होता है। 19, शंख पुष्पी की जड़ को चांदी की डिब्बी में भरकर